आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे बड़ी सियासी खबर के साथ, जहां पर मथुरा से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। वहीं सांसद हेमा मालिनी तीसरी बार नामांकन करने से पहले बुधवार को मथुरा के पवित्र विश्राम घाट पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ यमुना जी का पूजन किया, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वृंदावन मथुरा में लोग नरेंद्र मोदी और हेमा मालिनी को जिताने के लिए मतदान करेंगे। यमुना की सफाई को लेकर भी कहा कि यमुना माँ का शुद्धिकरण होना चाहिए, हमने उन्हें भरोसा दिया है और हम इस ओर लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, जल्द ही यमुना अविरल होगी। हमारे साथियों ने मेरा यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष सब लोग मिलके मुझे यहाँ पर यमुना पूजन करवाया है। कल मेरा नामांकन है, उससे पहले मैं पहले बहुजन समाज पार्टी ने खीरी लोकसभा सीट से जवाहर चौहरी को चुनाव मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। बसपा ने कौशाम्बी निवासी अंशय कालरा को यहां से प्रत्याशी बनाया है। पंजाबी कार्ड के जरिए तिकुनिया हिंसा से नाराज सिख समाज और किसानों को एकजुट कर उसका लाभ लेने की बसपा की रणनीति से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। वहीं हमारे संवाददाता आमिर रजा ने बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा उर्फ रॉकी से खास बातचीत की है। बहुजन समाज पार्टी ने खीरी 28 खीरी संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अंशय कालरा उर्फ रॉकी भैया को प्रत्याशी घोषित किया है, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, लखीमपुर के प्रभारी एमएलसी हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो आपने घोषणा की, किस विचार के साथ में, किस क्या घोषणा की? आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर 28 लखीमपुर खीरी लोकसभा से अंशय कालरा जी को प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है। सभी कार्यकर्ता, जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के सेक्टर के बूथ के सभी के बीच में आज माननीय बहन जी की तरफ से जनता की गोद में आपको डाला है और लखीमपुर खीरी की जनता आशीर्वाद देकर इन्हें यहाँ से सांसद बनाए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले, इनका पूरा पुश्तैनी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी पलिया से जुड़ाव है और अमरोहा में इनका बिजनेस है, कारोबार है, ये यहाँ से आते जाते एक दो पीढ़ी पहले से है। तो ये युवा हैं और फिर दोबारा से लखीमपुर की धरती को इनकी आवश्यकता है, तो इनके परिवार के लोगों ने, सबने ये महसूस किया है कि आज जिस तरह से लखीमपुर खीरी में जुल्म अत्याचार बड़े पैमाने पर गरीब कमजोर मजदूर किसान के ऊपर हो रहा है, तो उसके लिए ये संघर्ष करेंगे, यहाँ की जनता इनके साथ। देखिए, ये क्षेत्र विकास मांग रहा है बहुत ही लंबे समय से, यहाँ पर विकास की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट यहाँ पर 57% है, यहाँ की जनता पढ़ी हुई है और अगर नीतियाँ इस अनुसार बनाई जाए जो जनता के हित में हो तो यहाँ पे शीघ्र विकास का काम हो सकता है। ये अंशय सिंह कालरा है जो 2024 का चुनाव विकास के नाम पर और जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें के द्वारा जो जुल्म किए जा रहे हैं बकौल इनके, उनके खिलाफ चुनाव मैदान में होंगे और उसी उम्मीद के साथ में जो अपनी चुनावी नैया को पार कराने की बात कर रहे हैं। लखी प्राइम टीवी के लिए आमिर रजा। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने चुनाव आयोग ईसीआई को शिकायत की। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ की रैली में जयंत चौधरी को लोकदल का अध्यक्ष कहे जाने पर आपत्ति जाहिर की है। कहा कि लगातार जयंत चौधरी लोकदल का नाम लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हमारे साथ इस समय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं, जो निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इतराज जताए हैं। आइए इनसे बात करें। सर, आपने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है कि किस मामले में? देखिए, हमने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव का प्रचार शुरू करते हैं तो मेरठ से शुरू करते हैं रविवार को उनकी रैली, और मेरठ में दो तस्वीरें लगाई जाती हैं, चौधरी चरण सिंह और एक नरेंद्र मोदी जी की, और मंच पे लिखा जाता है चौधरी चरण सिंह सम्मान गौरव समारोह।
और एक दिन पहले उनको भारत रत्न दिया जाता है। ऐसा तो नहीं राष्ट्रीय लोकदल से लोगों का भरोसा हट रहा हो, लोकदल का नाम लेके अपने आप को आगे ला रहे हो? जी पूरी तरह से राष्ट्रीय लोकदल, जगह जगह आप कहीं भी किसान में चले जाइए, किसानों के साथ लोग उनकी उनको बुरी तरह संबोधित करते हैं। एक सत्ता के लालच में आके उन्होंने, चौधरी साहब के परिवार के सदस्य हैं लेकिन वो भूल गए, वो ना चौधरी साहब की नीति जानते हैं ना चौधरी चरण सिंह को जानते हैं। और तो और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी दिखाई देती है। पता नहीं जैन जी को पहले तो चौधरी साहब को जानना पड़ेगा, अमेरिका में रहे 2009 तक जैन जी, वो ना देश में रहे नहीं, जन्म भी उनका अमेरिका में हुआ, 2009 तक उनकी नागरिकता भी अमेरिका की थी, तो वो चौधरी साहब को जानते ही नहीं है। वो ये जानते ही नहीं है कि चौधरी चरण सिंह जी ने कभी कॉरपोरेट से समझौता नहीं किया, वो कभी कॉरपोरेट से चंदा नहीं लेते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी जिससे वो मुकाबला कर रहे हैं पूरी की पूरी कॉरपोरेट पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है। नरेंद्र मोदी ने 16,500 करोड़ रुपए का जो इलेक्ट्रॉनिक घोटाला हुआ जिसमें 8,500 करोड़ भाजपा में आए, चौधरी चरण सिंह जब इस दुनिया से गए तो उनके अकाउंट में 500 रुपए भी नहीं थे। आज नरेंद्र मोदी जी जो मंडियों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 काले कानून लाकर जिसके ऊपर पूरा किसान आंदोलित रहा, वो भले ही वापस हो गए लेकिन आगे आने वाले समय में फिर लाएंगे अगर इनको कोई मौका मिला। उधर अमरोहा में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी कुंवर दानिशवली कलेक्ट्रेट पहुंचे, उनके साथ सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महबूब अली भी नजर आए। नामांकन दाखिल करने के लिए हमारे साथ है पूरा गठबंधन का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता मजबूती से हमें चुनाव लड़ा रहा है और आगे लड़ाएगा। जी किन मुद्दों को देख रहे हैं? मुद्दे सब जो है जनता इंतजार कर रही है, किसानों किसान बेहाल है, नौजवान रोजगार मांगने जाता है तो उस पर लाठी बरसाई जाती है। बढ़ते आगे खबर कासगंज से, जहां से सिद्धिविनायक गेस्ट हाउस में भाजपा के प्रत्याशी द्वारा एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 5,000 से ज्यादा विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को ज्वाइन कर एटा लोकसभा इलाके में एक इतिहास कायम कर दिया है। इतनी बड़ी तादाद में कभी भी भाजपा को एक साथ लोगों द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया था। सामने देख रहे हैं 7-8 हजार लोग यहाँ पे आए हैं और ये खाली भीड़ और वोटर नहीं है बल्कि ये सब लोग अपने आप में लीडर हैं, चाहे कोई प्रधान है, चाहे कोई BDC है और चाहे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाजवादी पार्टी के। ये जितने लोग आए हैं सब अपने अपने गांव पर प्रभाव रखने वाले लोग हैं और राजनीतिक किस दिशा में जानी चाहिए उसको उंगली पर चलाने वाले लोग हैं। आप देख रहे हैं और मैं समझता हूँ लगभग 8,000 से 10,000 लोग आज ज्वाइन किए हैं। सांसद जी एक बात बताइए, पिछली बार दो धुरंधर जिले में लड़े थे तब आप 1.25 लाख वोटों से जीते थे, आज दो धुरंधर इकट्ठे हो गए हैं, कितने वोटों से आप जीतेंगे? आप बताइए कितने जीतना चाहिए? आप बताइए इस बार 5 लाख पार। क्या क्या ऐसे काम थे आप जो पिछले लोकसभा में ना कर पाए, जो भी रहेगा उन्हें करने को काम करेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि जितने मोटे मोटे काम थे वो हो चुके हैं और विकास का पहिया कभी रुकता भी नहीं है और जो अभी रह गई है कमियां उसको हम पूरा करेंगे 5 साल के अंदर। खबर गाजीपुर से, जहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद गोरखपुर से काशी जा रहे थे। बता दें कि शहर के लंका इलाके में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गौ को राष्ट्र माता बनाने के समर्थन के लिए वो यात्रा कर रहे हैं और अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सनातन धर्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण गाय है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का मामला अदालत में लंबित है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और वहाँ पूजा पाठ शुरू हो जाए। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और उनको सरकारों की पशु सूची से हटाकर राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन के लिए यात्रा कर रहे हैं। गोरक्षपुर गायों की रक्षा के लिए कोई केंद्र किसी समय का था, वहां जा करके वहां पर गोरक्षपीठ में गोरखनाथ जी महाराज से गौ रक्षा के लिए बल प्राप्त करके अब हम काशी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी गाजीपुर के लंका में आप आना हुआ। उधर गोंडा में सपा सरकार से लेकर भाजपा सरकार में भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं अधिकारी आंख मूंद कर खनन होता देख रहे हैं। अधिकारियों की सरपरस्ती में गोंडा का कर्नलगंज तहसील अब अवैध मिट्टी खनन का हब बनता जा रहा है। दरअसल बिल्डर सखरौरा तालाब और नजूल की जमीन पर मिट्टी भराई कर कब्जा कर रहे हैं।
बढ़ते आगे खबर कुशीनगर से, जहां पर अपहरण की झूठी घटना का पर्दाफाश किया गया। पुलिस की जांच में झूठी अपहरण की पूरी पोल खुल गई है। बताया जा रहा है कि किशन का विकास चौबे और राजा जायसवाल ने हिमांशु के भाइयों को तमंचा दिखाकर अपहरण किया था। दरअसल हिमांशु के भाई ने पीआरवी को अपहरण की सूचना दी थी। पुलिस ने 2 तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। तो इसमें यह तथ्य आया कि इसमें किशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह, जो विवादी का भाई है, उसके द्वारा स्वयं अपने अपहरण की जो है फर्जी घटना रची गई थी। चूँकि किशन अपने साथी विकास चौबे के साथ मिलकर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम करते थे। इन लोगों ने काफ़ी पैसा लोगों से ले रखा था, जब इनको काफ़ी घाटा हो गया और जिन लोगों से पैसे लिए थे वापसी का दबाव बना, तो इसने इस तरह की घटना रची। बुलंदशहर के दादरी गेट पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि दादरी गेट चौकी के पास एक दरोगा लोगों पर वर्दी का रौब गांठ रहा था। लोगों को शक होने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने जब दरोगा की वर्दी पहने युवक से पूछताछ शुरू की तो वो सकपका गया। गिरफ्तार फर्जी दरोगा का नाम ब्रजपाल बताया जा रहा है, जो दरोगा बनकर कई लोगों से धन उगाही का काम कर चुका है। आपको सब इंस्पेक्टर बता करके उसका एक फोन चोरी किया था, उसके आधार पे पुलिस को जानकारी मिलने पे इसको ट्रेस किया गया और इसको गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली कि यह है, इसके खिलाफ में 4 मुकदमे पहले भी दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 2 गुलावटी थाने के अंदर और 1 जो है वो अमरोहा जिले के अंदर भी दर्ज है। फिलहाल आजमगढ़ में 2 गांवों में आग लग गई, जिससे कुल 9 मंडई जलकर राख हो गई है और मंडई में रखा हुआ गृहस्थी का सारा सामान बर्बाद हो गया। जानकारी के अनुसार पहली घटना रघुनाथपुर गांव की है, जहां खाना बनाते वक्त एक मड़ई में आग लगी है, जिसने आसपास के अन्य 2 मड़ई को अपनी चपेट में ले गया। जबकि दूसरी घटना महाराजगंज थाना इलाके के देवारा के नेता नगरी नई बस्ती की है, जहां अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। जोड़ा गया तो 2-2.5 लाख रुपया देंगे, दोनों भाई को मिला 5-6 लाख का नुकसान हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान थे गाने बिखे, पैसे कौड़ी, जितने सामान थे सब, बर्तन कागज पत्र हमारा घर का जितने था सब जल गया। गृहस्थी का खाने पीने की सामग्री सब टोटल इनका कुछ नहीं बचा, खाने नहीं बचा। कोई हताहत किस नहीं, कोई परिवार में हताहत नहीं हुआ, हादसा नहीं हुआ। पशु का नहीं हुआ, सिलेंडर फटा था। सिलेंडर फटा था, हाँ। कितने बजे आग लगी थी? करीब करीबन एक्चुअली कितने बजे, उस टाइम पे मैं था नहीं यहाँ पे, शायद 11 से 11। और प्राइम टीवी पर इस वक्त की बड़ी अहम खबर, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद जेल से रिहा हो गए हैं। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद कल जमानत की उनकी याचिका मंजूर की गई थी और उसके बाद आज रिहा हो गए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। इसे लेकर देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। और तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद संजय सिंह कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए, तमाम लोग और वहां पर मौजूद हैं विक्ट्री का साइन दिखाते हुए संजय सिंह। और ये देखिए तस्वीरें, तिहाड़ जेल से बाहर आते ही किस तरीके से उनका भव्य स्वागत करने के लिए वहां पर इकट्ठा है भीड़। तो फिलहाल खबर यही है कि आम आदमी पार्टी के सांसद जो शराब कांड में जेल भेजे गए थे, तिहाड़ जेल भेजे गए थे, वो आज बाहर आ गए हैं। सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे संजय सिंह, इसके बाद थोड़े वक्त के बाद वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से आज की सबसे अहम खबर, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद जो शराब कांड में जेल में थे, वो फिलहाल तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए संजय सिंह इस दौरान, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के लोग इस दौरान मौजूद हैं संजय सिंह को स्वागत करने के लिए। और इस दौरान उन्होंने भी तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया है। इसके बाद खबर यह है कि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ इस बारे में भी रणनीति बनाएंगे, कैसे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से प्राइम टीवी पर संजय सिंह लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए तिहाड़ जेल के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर बाकायदा एक हुजूम जो है वो वहां पर इकट्ठा हुआ है संजय सिंह के स्वागत के लिए।
और इसके साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं संजय सिंह, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और अपनी जीत बताते हुए विरोधियों को, ये देखिए दोनों हाथों से ये बतलाते हुए कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। संजय सिंह की ओर से ये मैसेज दिया गया है विरोधियों को कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। और संजय सिंह जिन्हें शराब कांड में जेल भेजा गया था, पिछले कई महीनों से वो जेल में थे और आज उनकी रिहाई हो गई है। हालांकि रास्ता कल ही साफ हो गया था, लेकिन इस सब पूरे प्रोसेस में करीब करीब 30 से 36 घंटों का वक्त लग गया और आज संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो इज 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस के मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद में अब दोबारा आया हूँ तो इज 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका मैंने। हाँ, मतलब मैं गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।